हमें चाल में भी इतदाल रखने का हुक्म दिया गया, चाल में भी, बोलने में भी। अब इतदाल और तवाज़ुन क्या है वो आप जानते हैं, आप बताइए इतदाल किसे कहते हैं? सॉरी ये आपकी राय है, आप ये भी आपकी राय है। हर चीज का जो इतदाल और तवाज़ुन है वो मौके की मुनासिबत से है। मुझे अभी तक उम्रा या हज की सआदत नसीब नहीं हुई, आप में से कई लोग गए होंगे। मैंने सुना है कि कुछ मकामात पर आपको अकड़ के चलने का हुक्म है, उसकी वजह भी आपको पता है कि उस वक्त क्या सूरत हाल थी जिसकी वजह से अकड़ कर चलने का हुक्म है। खुद तारीफी मना है। जब आप जंग में जाते हैं तो रजल्स पढ़ते हैं, मैं ये था, मेरा कबीला ये था, कौन है जो मेरे मुकाबले पर उतरेगा। फखर जताया जाता था और अल्लाह ताला फखर जताने वाले को पसंद नहीं करता। ग़ालिबन सूरह लुक़मान में इरशाद किया, और अज़मीन पर अकड़ के मत चलो, और वहां पर अकड़ के चला जाता है। तो इतदाल सिचुएशन के मुताबिक है कि जो सिचुएशन है उसके मुताबिक आप इतदाल और तवाज़ुन क्या कर रहे हैं, धीमे लहजे में बात करनी चाहिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आप सबको ये चाहिए कि आप मेरी बात को ना सिर्फ ये समझें बल्कि इस पर अमल भी करें। ये अब ये है एक आदमी के साथ इतदाल और धीमा लहजा। आप लोगों के साथ धीमा लहजा वो है कि आप सब तक मेरी आवाज पहुंच जाए, हाँ तो आपको ये चाहिए करना, ये धीमा लहजा नहीं है। कि जब 5,000 लोग बैठे होंगे तब की बात है। तो उस सिचुएशन के मुताबिक इतदाल ये है। आप अगर दूसरों में कॉन्फिडेंस पैदा करने जा रहे हैं, फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में मैंने पढ़ा कि जब इस्लाम कबूल किया तो वो खाना काबा में गए हैं, तलवार बाहर निकाली है, जिसने अपनी वो हिजरत के वक्त भी गए हैं, जिसने बीवी को विवाह करना है, बच्चों को यतीम करना है, ललकारा है उन्हें, अकड़ते हुए गए हैं, अच्छा भी चलो पढ़ो नमाज में देखता हूँ कौन रोकता है, सिचुएशन। तो हमारे सामने दोनों मिसालें मौजूद हैं, हमने सिचुएशन के मुताबिक इतदाल और तवाज़ुन अख्तियार करना है। आपका सवाल बहुत मजे का था, ये मैंने वरना पूछना था बाद में कि किसी ने ये पूछा क्यों नहीं मुझसे। बिल्कुल बिल्कुल, आप ये बड़ा अच्छा है कि आप सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ अदाकारों के रोल सेलेक्ट करें। मकार आदमी को देखें, किसी फिल्म का रोल निकाले मकार आदमी का, साजिशी का, पूरे इतमाद का, हीरो का, विलन का, वो रोल निकाले। उसके बाद आप देखें कि उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके कंधे, उनका कुबड़ापन, उनका छाती का तना हुआ होना, उनके अल्फाज की उठान, हर चीज़ जो है वो बताएगी कि ये हीरो है, ये विलन है, ये चालबाज है, ये साजिशी है, ये मकार है। वो अपनी बॉडी से वो मैसेज कन्वे करते हैं।